नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कपूरथला रोड पर थर्मोकोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 पिस्तौल 42 जिंदा रौंद किए बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर की चेकिंग। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर कपूरथला रोड पर पड़ते जालंधर कुंज के पास एक थर्मोकोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि जिसे बुझाने के लिए एक के बाद एक दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते काफी मुशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। तो वहीं फैक्ट्री मालिक द्वारा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਏ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 35-40 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ NDFO ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना गेट हकीमा की पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को काबू कर उसके पास से 5 पिस्तौल 40 जिंदा रौंद बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP डॉक्टर मेहताब सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान साहिल कुमार उर्फ छागा के तौर पर हुई है, जिसे अनगढ़ फाटक क्षेत्र से काबू किया गया है। आरोपी 4 माह पहले ही केंद्रीय जेल अमृतसर से अलग अलग मामलों में 4 वर्ष अंदर रहने के बाद जमानत पर बाहर आया था। प्राथमिक पूछताछ में साहिल कुमार ने बताया कि वह अपने साथियों अजय सिंह उर्फ भीड़ी और रक्षित सैनी के साथ मिलकर गैंग बनाकर अवैध हथियार आगे बेचता था। अजय सिंह और रक्षित सैनी, जो कि आर्म्स एक्ट के तहत इस समय केंद्रीय जेल अमृतसर और लुधियाना में बंद हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा CIA स्टाफ 1 अमृतसर के इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की अगुवाई में एक व्यक्ति विशाल सिंह उर्फ शाला को काबू किया गया है, जिसके पास से एक पिस्तौल 32 बोर और 2 जिंदा रौंद बरामद की गई। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पुलिस अमृतसर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर वालों जिहड़े माड़े अंसर ते गैंगस्टरां खिलाफ मुहिम चलाई है, उहदे विच सानू वड्डी कामयाबी उदों मिली जदों साडे ACP सेंटर सुरिंदर सिंह, SHO गेट कीमा हरसनदीप, CIA इंचार्ज इंस्पैक्टर अमोलक, चौंकी इंचार्ज अनगढ़ SI बलविंदर दी टीम ने 2 बंदियां नूं अरैसट करके वक्ख वक्ख केसां दे विच 6 कंट्री मेड पिस्टल जिहड़े बरामद कीते है। पहले केस दे विच चौंकी इंचार्ज अनगढ़ बलविंदर की टीम ने दोषी साहिल उर्फ छागा नूं अनगढ़ फाटक के नेड़े गिरफ़्तार किया, उहदे कोलों 5 कंट्री मेड पिस्टल जिहड़े ओह बरामद होए है। इहदे खिलाफ़ पहलां भी 2 इरादा कतल के जिहड़े केसिस हैगे उहदे विच लोड़िंदा हैगा। इहदी पुछगिछ तों इह वी गल सामने आई, इह अपने 2 साथियां एक रक्षित सैनी विजय कुमार उर्फ भीड़ी दे नाल मिल के हथियारों की सप्लाई करते सी, ते इन्हां ने पूरा अपना जिहड़ा है ऑर्गेनाइज्ड गैंग बनाया होया सी हथियार सप्लाई करन दा। वो जिहड़े दूसरे 2 ने वह पहलां ही हथियार बरामदी के केस दे विच जेलां दे विच ने, ते इहनूं फड़ के जिहड़ा ये गैंग है ये भी बस्ट किया गया। दूसरा जिहड़ा दोषी है विशाल, उहनूं गेट कीमा पुलिस दे विच फड़िया गया, उसके कोलों भी जिहड़ा 1 कंट्री मेड पिस्टल बरामद होया हैगा। इहदे विच वक्क वक्क FIR एक नंबर ते दूसरी 2 नंबर आर्म्स एक्ट के अधीन गेट कीमा दे विच दर्ज कीतियां गईयां। जिहड़ा इह छागा सी फड़िया हैगा, इहदे विच वक्ख वक्ख थाणियां दे विच इहदे खिलाफ़ हुण तक 7 परचे दर्ज हैगे।
शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जालंधर में कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन प्रोग्राम के तहत 3 सर्च ऑपरेशन चलाए गए। उन्होंने कहा कि ये अभियान ऑपरेशन ईगल 3 कार्यक्रम का हिस्सा थे और इनका नेतृत्व कमिश्नरेट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। स्वपन शर्मा ने बताया कि एडीसीपी 2 और एसीपी मॉडल टाउन की देखरेख में बस स्टैंड जालंधर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने कहा कि करीब 100 लोगों की फोर्स ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वहीं उन्होंने बताया कि एसीपी नॉर्थ की देखरेख में करीब 50 कर्मचारियों के साथ सिटी रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह का अभियान चलाया गया। स्वपन शर्मा ने शहरवासियों की सेवा के लिए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि इस नेक कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज 2 जनवरी 2024 मानयोग डीजीपी पंजाब ते स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तो एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन ईगल 3 है। ये जलंधर कमिश्नर पुलिस वालों भी रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की अच्छ 12 बजे तो लैके 3 बजे तक स्पैशल चैकिंग की जा रही है जिदे साडे सारे SHOs ते GOs की स्पैशल ड्यूटी भी लगाई गई है। ये तो इलावा जिहड़े वाहन चैकिंग टीम्स हैं पार्किंग्स दे विच वह भी असी चैक करा रहे हैं ते नाल जिहड़े सस्पैक्टेड परसनस हैं उन्हां दी भी चैकिंग की जा रही है। जिहड़ियां साडियां एंटी सैवेजर्स टीम्स हैं ते डॉग ते स्निफर टीम्स हैं वह भी इस चैकिंग का पार्ट है। थैंक यू। जालंधर में ट्रक ऑपरेटर्स की चल रही हड़ताल को लेकर जिलाधीश विशेष सारंगल और SSP देहात मुकविंदर सिंह भुल्लर की ओर से सुच्ची पिंड स्थित इंडियन ऑयल डिपो पर विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश विशेष सारंगल ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें आश्वासन दिलाया कि 1 महीने के अंदर उनकी सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। वे अपनी शिकायतों का ब्यौरा तैयार कर उन्हें प्रदान करें ताकि वे जल्द से जल्द उनका निवारण कर सकें। जिसके पश्चात ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से जिलाधीश के आश्वासन पर अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया गया। जिलाधीश ने कहा कि लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से इस मीटिंग का आयोजन किया गया था ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द हल किया जा सके, जिसमें वे सफल रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹਜੇ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪਲਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਸ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਦਇਨ ਨੈਕਸਟ 6-7 hours। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ आश्रम दिलबाग नगर बस्ती कुचा एवं श्री धाम अयोध्या पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास जी महाराज अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल महाराज जी के चरणों में जा विराजे हैं। उनका अंतिम संस्कार मंदिर श्री बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती कुचा की गौशाला में 3 जनवरी को किया जाएगा। उक्त जानकारी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज के कृपा पात्र महंत केशव दास जी ने दी। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत श्री गंगादास महाराज जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आश्रम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, RSS के प्रांतीय प्रचारक प्रमोद योगेश धीर, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, महामंडलेश्वर महंत शांतानंद महाराज, महंत बंसीदास महाराज, महंत गुरविंदर सिंह महाराज, जुगल सुशील सैनी, भाजपा नेता पंकज मल्होत्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
जालंधर में गत दिवस बस्ती बावा खेल नहर के पास डीएसपी की लाश मिली थी, जिसके बाद पहले कहा जा रहा था कि हिट एंड रन का केस लग रहा है, लेकिन बाद में गोली के खोल भी बरामद हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि डीएसपी की मौत कैसे हुई और किन हालातों में हुई है, क्योंकि डीएसपी को गनशॉट इंजरी पाई गई है। वह कल से ही मौके पर आकर अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीसीटीवी भी लगातार चेक की जा रही है और टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों के एक पैनल ने डीएसपी दलबीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया। इस संबंधी मेडिकल सुपरिटेंडेंट गीता बजाज ने बताया कि 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने डीएसपी दलबीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया है। पैनल में डॉक्टर गगन, डॉक्टर सच्चर और डॉक्टर तेजस शामिल रहे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत का मुख्य कारण पता चल पाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, एक डीएसपी का केस आया था, दैट वाज देखने पे गनशॉट ही था। तो इसका बोर्ड बना है, पूरा 3 मेंबर्स थे उस बोर्ड में, और विसरा जो है वो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, और द फाइनल कॉज ऑफ डेथ विल बी रिवील्ड जब हम विसरे की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। दैट इज़ ऑल। असं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हाले जी हैगी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो डैथ जोड़ा है किमें हुई, किस कि हालातों के जी है गनशॉट जी इंजरी वो पाई गई है। तो मैं तुम इतने मौके के उत्ते असी कल दे इतों सारा देख रहे हैं कि वो इस पॉइंट के उत्ते किमें पहुँचा सी, किहड़ा रस्ता उन्हें अख्तियार किया, जां किस व्हीकल से आया, जां कोई कन्वेंस की सी, एंड वो सारा असी डीपली असी थोरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, जिहड़े असी सस्पेक्ट जिहड़ियां भी कोई सीसीटीवी फुटेज भी असी जिहड़े हैगे टैक्निकल एंड सीसीटीवी फुटेज वो सारियां नूं असी कलैक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, साडियां टीम्स डिप्यूट कीतियां आईआं। सर, जो पता लग्गिया हैगा वह पहले अपने दो किसी दे नाल बहिंदा ढाबे ते रोटी पानी खांदा, उस तों बाद किहड़ा इधर नूं आंदा हैगा वह? नहीं, वह तो जिमें है कि 31 तरीक न शाम को अपने जोड़ा है किसी नोन के नाल उत्थे गया सी हैगा कि इहनूं बस स्टैंड के उपर जानकर दे उत्ते स्टॉप करन वास्ते उन्होंने इनू ड्रॉप कर दिता सी, उसते जिहड़े जिसदे कोल जाना सी इहनूं नहीं मिलिया, एंड बाद दे विच ऑटो दे विच बैठदा दिसदा हैगा, असीं उह वेरीफाई कर रहे हैं कि ऑटो कित्थे कित्थे गया। किन्ने फायरिंग होए, किन्ने फायर होए हैगे? नहीं, फायर का गनशॉट इंजरी जी हैगी एक दा पता लग्या है, बाकी जिहड़ा हैगा कि सारा इहदी बैकग्राउंड भी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, एंड छेती असीं इहनूं हल करांगे। देर रात वाली तो नहीं, तुम दस रहे हो कि 2 रात जोड़े है व्यक्ति है जो घरों लैके आए हैं, इन्होंने नौन है उन्होंने पता ही है सू। ट्रांसपोर्ट वालों की हड़ताल को लेकर पेट्रोल पंपों पर हड़कंप मच गया। इस दौरान संगरूर के पेट्रोल पंप पर जाकर जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि वे 1.5 घंटे से इस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, और जब उनका नंबर आया तो कह दिया गया कि पेट्रोल नहीं है। उन्होंने अपने काम पर जाना था लेकिन उनके वाहन में पेट्रोल ना होने के कारण वे बीच में फंस गए हैं। जो उनकी दिहाड़ी है वह भी खत्म हो गई। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो लाइनें पेट्रोल पंपों पर लगी हुई हैं वे कब खत्म होंगी। उन्होंने बताया कि कई पेट्रोल पंपों पर उन्हें पेट्रोल नहीं मिला था, और जब उन्हें पता चला कि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है तो वे इस पेट्रोल पंप पर आ गए, लेकिन उन्हें इस पेट्रोल पंप पर आकर भी निराशा ही मिली। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। घंटा हो गया सानू खड़िया नू, जॉब ते भी जाना है, बहुत परेशानी हो रही है। जो ये सरकार कर रही है सही नहीं कर रही हैगी, तो उन्होंने यदा कोई सल्यूशन कढ़ना चाहिए ताकि आपके कामों पर टाइम नाल जा सकी। बोलना घाटा हो गया जी, तेल नहीं पा रहे, सानू तेल है नहीं गा कोल, हों गाह लंघ जाए कोई कल पवा लेंगे जी, हम प्रॉब्लम बड़ी तकड़ी हुई पी है जी, तेल नहीं पा रहे जी, हूँ मुश्किल तो बहुत औखा जी, हम तेल नहीं है, गाँव कितना कितने अगर जाड़ उठा है नहीं पा, तेल नहीं है जी, पंप उधर पिछे गया जी, पंप ही गरेवाल पंप बंद है जी, वो तेल नहीं पाते, सानू कहते तेल ही नहीं है, समझा कहता जी उन्होंने। अरे बस जो फोन मारे लगता पंप पहले चल रहा हूँ बंद करता, तेल ही बंद करता लोगों ने, हूँ ऐसे खड़े अद्धा घंटा हो गया, कहते ट्रक की हड़ताल चल रही है, इस कारण तेल आ नहीं, इस कारण दिक्कत आ रही है। हाँ देखो हूँ खड़े हैं, जी मर्जी अद्धा घंटा हो गया, काम कार छ खड़े हैं। सर एक्चुअली ना ट्रांसपोर्टेशन की जी गड्डिया लोड कर दी है, तेल देकर जो पंपा के उत्ते उन्हें स्ट्राइक है, स्ट्राइक होने करके पंपा तेल मिल नहीं रहा,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਫਵਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਪ ਡਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਪ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ 12:30 ਤੱਕ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ RTO ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਏਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਸਭ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲ ਦੀ ਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਨੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 2023 ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਲੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਕੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪੋਂ ਪਰ ਲੋਗੋ ਕੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਬ ਲੋਗੋ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਲੋਗੋ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਸੇ ਲਾਈਨ ਮੇਂ ਖੜੇ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਿਕ ਤੇਲ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਿਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੈ ਮਗਰ ਤੇਲ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕੇ ਚਲਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ 2-3 ਘੰਟੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੰਪ ਦੇ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਲੀਟਰ ਜਲੰਧਰ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਡੈਟ ਆਰ ਸਿੰਪਲੀ ਚ ਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਦੇਖ ਲਈ ਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਖੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਬਰਡਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੇਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਬ ਤੱਕ ਖੋਲੇਂਗੇ, ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਵਹੀਕਲਸ ਮੇਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੋ ਆਪ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਣੇ ਆਏ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਣੇ ਆਏ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗਿਆ ਆਪਕੋ? ਹਮੇਂ ਯੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹਮੇਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਂ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और आप क्या मांग करते हो? हम ये करते हैं थोड़ी देर के लिए जब खोला जाए, खोला तो जाए, हम लोग परेशान हो रखे हैं पेट्रोल के लिए, क्या करेंगे? काम जिसने काम पर जाना, कहीं जाना, अगर व्हीकल ही हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम नीतू भट्ट। 3 दिन पहला दी टीवी च न्यूज आई सी भी थोड़ी जी ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, तो वो ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक तो चलो हो गई है, बाकी डीजल या पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, डिपू च बहुत है। तो वह सानू उन्होंने कहा भी शाम तक तुहानू उम्मीद है गड्डी पहुँच जाएगी, शाम तक फैसला हो जाएगा। तो लोग थोड़े जे पैनिक कर देंगे ने, क्रिएट भी माड़ी जी गल कहो भी वो भज पेंदे ने, होर ऐसी कोई गल नहीं हैगी। नहीं, लोग कह रहे भी हूँ जो है स्टॉक है लेकिन बंद कर दिता गया। नहीं जी नहीं, गलत गल है, बंद सानू करन दा की फायदा सी? सवेर दे लगे दे 6 बजे दे, अज तक कहने आ जानी है गड्डी शाम नू, कोई तेल पेट्रोल डीजल डिपो वाले तो कहें गड्डी भेजो, पर ड्राइवर नहीं ना जाते, गड्डिया की स्ट्राइक है, वह उत्थे गड्डिया बाहर खड़िया। मेरी हूँ भी गल हुई, कहें जी नैगोशिएशन हो रही है, हो जाएगा अपना मसला, भावें रात को भरी असं गड्डिया भर के भेजा। नहीं हूँ पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया, एक बार जो सूटा मार देना 2-2 हज़ार लीटर सानू छड़ना पैंदा टैंक च, भी जे वह हवा लै गई तो मुड़ के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। असीं इन्हां नूं कहा भी तुसीं 2-3 घंटे वेट करो, गड्डी हो जानी भरी जाएगी। अच्छा, उम्मीद हैगी है जी? हाँ हाँ, पक्का उम्मीद है जी, उम्मीद क्यों नहीं, सारी दुनिया ने थोड़ी कट जाना, ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਆਦਾ। स्मार्ट होम जालंधर हाइट्स 2 की ओर से 5वां वार्षिक हरिनाम संकीर्तन बड़ी ही श्रद्धा भाव से मुख्य आयोजक सीमा गल्होत्रा की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें राधिका शरण, दीपक राणा एंड पार्टी एवं वरुण एंड पार्टी ने ठाकुर जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि राजू मदान और फैन भगत सिंह के प्रधान ने विशेष अतिथि के रूप में शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर शशि सरीन, सोनिया लूथरा, सोनिया सोबती, संगीता, पूजा, नीलम, रोशी, रजनी सेठी, अरुणा, मंजुला, जैस्मिन सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। We'll be right back.
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ AGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, AGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੈ ਕਰਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ। ਔਰ ਆਪ ਸੱਚੀ ਬਤਾਓ, ਅਗਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਾ ਵਜੂਦ ਹਮਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਮੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਔਰ ਮਾਂ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀ ਹਮਾਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮੇ ਹੈ। ਔਰ उस शक्ति पीठ में जो आज हर शुक्रवार को परमात्मा माँ के दरबार में चौकी भरी जाती है, आज से अगर 15-20 साल पहले चली जाओ पीछे तो कितना उत्थान था। और आज माँ की असीम कृपा है बाबू जी पर, जिनके पीछे पीछे पूरा जलंधर चला हुआ है, पूरा उत्तर भारत चला हुआ है, और हमारे त्रिपुर माननीय माँ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोनों हाथ से देख कर जयकार त्रिपुर माननीय मैया जी का। और एक बार इनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथ से देख कर जोरदार ताली बजा के हंसते हैं, जो हंसते हैं उसी का घर बसता है, जोरदार ताली बजा के। केंद्र सरकार द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए बनाए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते अमृतसर में पेट्रोल पंपों पर लोगों को पेट्रोल लेने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिसके चलते लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि सुबह जालंधर डिपो से पेट्रोल का टैंकर ना आने के कारण पेट्रोल की किल्लत के चलते ये हालात बने हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग उनके साथ आकर बहसबाजी कर रहे हैं। वहीं शहरवासियों ने बताया कि उन्हें रात तक कोई जानकारी नहीं थी कि सुबह पेट्रोल नहीं मिल पाएगा और सुबह पेट्रोल
लेने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। उनके मालिकों का कहना है कि उनके पंप पर तेल खत्म हो चुका है और कई पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है। इतनी कड़ाके की ठंड के कारण भी लोगों में पेट्रोल के लिए हाहाकार मची हुई है। उन्होंने कहा कि ये मामला सरकार और ट्रक ड्राइवरों का है, पर परेशानी आम जनता को हो रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कुछ ड्राइवरों ने स्ट्राइक करती है, उन्हों का कोई मोदी सरकार ने बिल पास किया जिदे उन्होंने कहा कि जे कोई ड्राइवर की गड्डी ठुकती है तो 7 लाख रुपया कैश जुर्माना प्लस 10 साल की सज़ा, जिदे कारण उन्होंने उत्तर डिपो च स्ट्राइक करती है। HPCL, BPCL, IOCL ये सारे डिपो बंद ने ऑल ओवर पंजाब। बठिंडा भी बंद है, अपना जलंधर भी बंद जे, तो अपना पानीपत भी बंद जे। हाँ जी, तुहाडे सामने है जी, लोग सानू गालां कढ रहे है, की कर सकते हैं। हर पहले दे, हर वेले एक एक सैकेंड से एक एक गाल कढ़ते पे लोग सानू। सरकार नूं अपील करने जाओ। अपील यही है जी, जो उन्हां दा बंद है, जो उन्हां दा सिस्टम हैगा वो तुसीं सोचो ते मुकाओ ये रफड़। रीजन है कि प्रॉब्लम क्रिएट डे बाय डे हो रही है, तुसीं देखो जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। अमनदीप सिंह भाई नाम है मेरा, अमृतसर का ही रहने वाला हूँ। अज पेट्रोल पंप से पहुंचे हो तो हड़ताल है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सर दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब हुण मतलब कामगारां ते जाना वा, तुहानूं पता है पेट्रोल पंप तो बिना व्हीकल कोई भी नहीं चलता अजकल, है ना। काम तो चलने हैं तो हूँ मतलब सीनियर ने भी यो ही कहना वा अपन कि चलो तुम अपनी ड्यूटी मतलब टाइम पर आओ, पर हूँ आप किमें मतलब ये चीज़ दस सकी है, मतलब कि की प्रॉब्लम आ रही है? सर कुछ नहीं, सूँ तो किसी चीज़ की इनफॉर्म ही नहीं, मतलब हूँ आप काम से निकले तो हूँ पता लगा आगे कि ना मतलब भी ट्रैफिक देख के पता लगे कि दिक्कत आ रही है। दिक्कत की आएगी सर? परेशानी यो पेट्रोल पंप मतलब खुलने चाहिए, तेल मतलब व्हीकल के है नहीं है हूँ। हाँ मेरा फील्ड की जॉब है सर, पेट्रोल लाजमी आप जरूरत है ना, तो पेट्रोल है नहीं बाइक में, ये बहुत परेशानी आ रही है सर ये चीज़ों को लैके। सरकार अपील सर यो करनी चाहवागे कि मतलब जो कोई इदा दिल्ला हड़ताल जो होंगी है जो मतलब चलो सरकार भी नहीं चाहती कि हड़ताल हो, पर जो हड़ताल होंगी है तो ये चीज़ों तो मतलब एक दिन पहला इनफॉर्म होनी चाहिए है सर आम जनता को, दिक्कत क्योंकि यो ही आती है आम जनता को बहुत परेशानी होती, सरकार तो अपना मतलब करके साइड पर हो जाती है, जिन्होंने अपने मतलब स्ट्राइक वगैरह की वो भी करके साइड पर खलोते रह लेंगे जो व्हीकल लगा के खलो जाते हैं, पर परेशानी आम जनता को आती जहाँ बेचारे पता कुछ नहीं किस चीज़ का नहीं। अज तो सर बहुत ताे सामने आ दिक्कत का किन्ना सामना करना पैन दिया वा, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार तो मतलब यो अपील है सर, जो कोई मतलब अपना मतलब किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ को लैके स्ट्राइक हुई है वो चीज़ पर गौर किया जाए, तो जहाँ का पक्ष भी सुनया जाए जिन्होंने एक चीज़ की स्ट्राइक की हुई है, है दोवें धरों बह के गल करनी चाहिए ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना आए। इस करके सर रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ों का जल्दी तो जल्दी हल करवाया जाए। अपना नाम दस के कई जगह मैं जो अमृतसर तो पेट्रोल पंप की जी हड़ताल करके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया इतने लाइन लगे घंटा क्यों हो ही गया तो की कहते हैं कितनी देर तक तेल मिल सकता? पता नहीं कहते मिल जाएगा कितने तेल वादू साढ़े को अमृतसर के सिविल अस्पताल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्डों को पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से हमें वेतन नहीं मिल रहा, जिस कारण उनका घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी सिस्टम में वे पिछले लंबे समय से सिविल अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हर बार उन्हें अपना वेतन लेने के लिए ठेकेदार और सिविल अस्पताल के प्रशासन से गुहार लगानी पड़ती है। आज तक बिना मांगे उन्हें कभी वेतन नहीं मिला है, जिस कारण वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि उनका वेतन सीधा उनके बैंक खातों में डाला जाए और ठेकेदारी सिस्टम को बंद किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैंने 3 साल हो गए काम करते हुए, पहले सानू हर तनखा मिलती थी, अधिक छुट्टियां कट जाते थे, अधिक समय मिल जाते थे, और दूजी बात सारे हम खाते के पैसे पैंते हैं, कहीं 500 कट पाता, कहीं 1000 कट पाता, कहीं 2000 कट पाता। दूसरा नंबर है कि तनखाह जी साड़ी है, सानू हर महीने जाना पैंता एसएमओ साहब को कि सारी सारी तनखाह नहीं पई हैं, कोई किराए रहा है, किसी ने मिठिया पाई हुई है, किसी बच्चे स्कूल च पढ़ रहे हैं,
और दो दो तीन दिन खाने मिलेगी तो कम ही टाइम पास होगा। मेरा नाम सुरिंदरजीत कौर है, मैं सिविल अस्पताल च ठेकेदारी सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की सेवा निभा रही हूँ। तो सानू ये प्रॉब्लम आ रही है कि सानू तीन तीन महीने तो तनखावां नहीं मिल रही है, असं बहुत परेशान हैं, साडे घर का गुजारा बहुत मुश्किल नाल हो रहा वा। तो साडे सारे मुलाजम जिहड़े आ बड़े परेशान हो के अज असी हड़ताल की, अज सानू कहा गया कि तुहानू एक महीने की तनखाह मिल जाएगी, बाकी दी फिर वेखी जाएगी। ये जिहड़ियां चीज़ां वा दिन त्यौहार जिहड़े आ सारयां लई इक्को जिहे हुंदे आ, ते असी लोक जे कमाई अपनी घर नहीं खड़ांगे ते साडे बच्चे की दिन त्यौहार मनाउणगे। सानू ठेके सिस्टम चों बाहर कढ़िया जावे, साडियां तनखाहां सिद्धियां सरकार देवे, सानू भी कोई परेशानी ना आवे, ते असी भी अपनी इमानदारी नाल अपनियां ड्यूटियां निभाईए। मैं डॉक्टर स्वरणजीत धवन सीनियर मैडिकल ऑफिसर सिविल अस्पताल अमृतसर बेनती कर रहा। सवेरे मैं अज आया तो देखा भी साढ़े कुछ सफाई सेवक बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड मैं उन्होंने देखो मंग के नाल सहमत हाँ, क्योंकि कुछ समय तो पिछले दो तीन महीने तो उन्होंने सैलरी जी लेट हो रही है हर महीने, एंड वो करके जो मेन है भी साढ़े को हॉस्पिटल कुछ टैंपरेरीली पैसों की कमी है, वो संबंध च असी उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। मानयोग सिविल सर्जन साहब ना भी गल हुई है, सिविल सर्जन साहब ने उपर MD पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन जी ने भी लिखा होया है, साढ़े इतने डिप्टी मैडिकल कमिश्नर ने मैडम उन्होंने भी असी लैटर लिख के भेजी है भी हस्पताल इज रनिंग टैंपरेरीली शॉर्ट ऑफ मनी, एंड वो क्योंकि देखो हस्पताल का एक सिस्टम आ, सानू यूजर चार्जेस जिहड़े असी मरीज देखते हैं मरीजों तो पैसे इकट्ठे होंदे आ वो आंदे आ, उस तो अलावा आयुष्मान भारत के अंडर जिहड़े मरीजों का कुछ हुंदा है इलाज उन्होंने पैसे आते हैं, एंड दिस इज़ अ प्रोसैस जिद टैंपरेरीली कोई ना कोई उतार चढ़ा आता रहा है। तो हूँ दो ढाई महीने तो साढ़े को कुछ पैसे घट ने, खर्चे तो हस्पतालों के उन्ने ही रेंदे आ, तनखावां जिहड़ियां आउटसोर्स एम्पलाइज दियां, एंड साडी जिहड़ी सब तो मतलब कोशिश हुंदी आ भी क्योंकि गरीब आदमी ने इन्हां नूं सैलरी समय दर समय मिलती रहे। नववर्ष के उपलक्ष्य में ग्लेनमोर ग्रीन्स कॉलोनी सुदामा विहार खुरला किंगरा रोड में माता की चौकी का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें ज्योति शर्मा एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, सांसद सुशील रिंकू और आप नेता सुरेंद्र सिंह सोडी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अशोक वधावन, राकेश भाटिया, गगन माटा, अमिताभ दास, चरणजीत मिगलानी, नरेंद्र कश्यप, मनु खामरा, अरुण मदान, विशाल भामरी, राकेश पुरी, विजय सोनी, मनुधीर, मुख्तियार सिंह, सचिन मोंगा, दीपक गोयल, रमन धमीचा, पूनम धीर, पायल ज्योति, ईशा धीर, बबली कुसुमलता, मनप्रीत कौर, नीरा लुथरा, नीरू थिंद, शिवानी शर्मा, पिंकी माटा, शिवानी चौहान, ममता माटा, रीटा भाटिया सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश की रिपोर्ट। This nation.
मेहरबानी जो की थी मेहरबानी जो की थी मेहरबानी मंदिर पृथ्वी नगर की तरफ से अध्यक्ष महंत अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह पर लोगों की तरफ से पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान ठाकुर जी और राधा रानी का स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा। सबसे पहले मंदिर में सुबह लगभग 7 बजे मंदिर कमेटी और ठाकुर जी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से अपने अपने ठाकुर जी और राधा रानी का एक साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक पंचामृत स्नान करवाया गया, जिसके बाद 56 भोग लगाकर यात्रा आरंभ की गई। ये शोभा यात्रा मंदिर से आरंभ होकर अलग अलग जगहों की परिक्रमा करते हुए किशनपुरा स्थित शर्मा परिवार के निवास स्थान पर आकर रुकी, जहां दर्शना रानी, जगमोहन, दविंदर, भावना, कमलेश, दीपक, रमेश, शैली, दशमेश, विशाल, नन्नू, करण ने इस शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों एवं पेय पदार्थों का लंगर लगाकर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। तो वहीं महंत अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी ही समय समय पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, ताकि लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया जा सके। इस मौके पर मोनू शर्मा, विकी अरोड़ा, ऋषि, अमित शर्मा, अमित खुराना, संतोष, संजू शर्मा, प्रवीण मल्होत्रा, बंटी, महेश कुमार वासल, जनत शर्मा, स्त्री सत्संग सभा से मंजू सहगल, कोमल अरोड़ा, मधु, सोनिया, ज्योति सहित अन्य भक्तजन मौजूद रहे। इस दौरान महंत अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर कमेटी और ठाकुर जी परिवार की तरफ से मिलकर 120 दिवसीय अखंड माला जाप का आयोजन किया गया था, जिसकी समाप्ति पर 7 जनवरी को मंदिर प्रांगण में महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 5 हवन कुंड बनाकर पूर्ण आहुति डाली जाएगी, जिसको लेकर सभी को निमंत्रण दिया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। We'll be right back.
अमृतसर के श्री मारवाड़ी पंचायती मंदिर रघुनाथ जी चौक फवारा में नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। इस अवसर पर मंदिर के सुनील गुप्ता और विजय सिंघियाना ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष नववर्ष की पूर्व संध्या पर भगवान गोवर्धन जी की पूजा आरती की गई और भजन कीर्तन किया गया। इस अवसर पर भगवान को 56 भोग लगाए गए और ब्रह्म भोज के बाद लंगर भी लगाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी हर वर्ष दी पांती इस वर्ष भी असी श्री अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन जी महाराज जी का मनाया जी। श्री मारवाड़ी पंचायत बड़ा मंदिर चौंक फवारा अगरसैन महाराज जी दे श्री मारवाड़ी पंचायत बड़ा मंदिर श्री रघुनाथ जी च हर साल की भांति गोवर्धन महाराज जी का अन्नकूट महोत्सव आज मनाया गया। बड़ा श्रद्धा और धूमधाम नाल पहले गोवर्धन जी की पूजा की गई है, उस तो बाद आरती हुई है, भजन कीर्तन होया, उस बाद ब्रह्मभोज और उस बाद भंडारा सारे संगत च वरताया जाएगा। हर साल होता है। श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि ठाणा जालंधर यात्रा पर हैं, जिसके चलते वे प्राचीन तीर्थ श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जैन मंदिर कला बाजार जालंधर में पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी महाराज और ज्ञानानंद महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीमद आत्म वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दर्शन करते हुए यहाँ पर पधारे हैं सब। हम सब आत्मजैन सभा गुरुदेव आपकी खूब 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 वंदना करते हैं और हम आपसे आगे आशा ये साल में आशा रखते हैं गुरुदेव पूरे सबको संघ को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव सब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेषिं पद्मं हवई मंगलम उपसद्गहरं वासं वासं वंदामि कमघनं कम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विश्वहर कुलिंग मंत्री जो सया मनु सर्वधर्माणां जयति शासनं जय गोड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय बल विजयानंद श्री महाराज की जय वल्लभ श्री महाराज की जय। प्रदीप पब्लिकेशन के मालिक राजकुमार जैन का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय राजकुमार जैन को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे प्रदीप जैन ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, अमरजीत सिंह अमरी, भाजपा नेता सुभाष शर्मा सहित समस्त पारिवारिक सदस्य और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजकुमार जैन को नमांखों से अंतिम विदाई दी।
बीएसटी ऑटो ग्रुप के स्वर्गीय लाला तिलकराज चंद, स्वर्गीय अमलावंती जैन परिवार के वंशज रविकांत जैन, चेयरमैन भगवान महावीर जैन, आराधना केंद्र उषा जैन, लोकेश जैन, रूपाली जैन, सृजा जैन, उत्सव जैन परिवार की तरफ से श्रीमद आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी आदि ठाणा की पावन निश्रा में प्रकट प्रभावी भगवती श्री पद्मावती विशिष्ट महापूजन का आयोजन बीएसटी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड होशियारपुर रोड मदार सिकंदपुर रोड में किया गया। इस समारोह में बीएसटी ऑटो ग्रुप की तरफ से बनाए गए मंदिर में प्रकट प्रभावी भगवती श्री पद्मावती की प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम में सुश्रवक मुकेश भाई अहमदाबाद वालों ने पहुंचकर मंत्रोच्चारण कर अति विशिष्ट विधान संपन्न करवाया, जिसके बाद गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज आदि ठाणा व उनके साथ गुरु महाराज के शिष्य कार्य दक्ष मुनिश्री मोक्षानंद विजय जी महाराज, ज्ञानानंद महाराज ने बीएसटी ऑटो ग्रुप के स्वर्गीय लाला तिलकराज चंद, स्वर्गीय अमलावंती जैन परिवार को इस शुभ कार्यों के लिए बधाई दी और परिवार के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में बैठकर हवन यज्ञ करवाकर आहुतियां डलवाकर कार्यक्रम को विधि पूर्वक संपन्न करवाया। इससे पहले करवाई गई भजन संध्या में लुधियाना से आए गायक सौरभ भाई भजनों को गाकर सारे माहौल को भक्तिमय बनाया। इस दौरान विभिन्न जगहों से आए गुरु भक्तों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र से चेयरमैन रविकांत जैन, अध्यक्ष कमल जैन, महामंत्री विनेश जैन, कोषाध्यक्ष शीतल जैन, निपुण जैन, प्रवीण जैन दुग्गड़, संस्थापक प्रधान लुधियाना जैन संक्रांति मंडल राजेश जैन मिंटू, मेघा जैन गारमेंट उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, रितिन खन्ना, एलपीयू से अमन मित्तल, प्रीतपाल सिंह, राजू चावला, आतमवाल से अमित जैन, गुरुबख्श सिंह जुनेजा, राजेंद्र सिंह जुनेजा, रविकांत जैन, राजीव जैन, बिंधिया जैन, रूबी जैन, मधु जैन, मोंटी जैन, सुनील जैन, नितिन जैन, सूबी जैन, अतुल जैन, दीपक जैन, श्रीकांत जैन, रुचि जैन, बिंसी जैन, राजेश जैन, मेघा जैन, सरीजा जैन, लगायना जैन, मनीषन जैन, राकेश जैन, सुरेश जैन कपूरथला, शोभन जैन, रजिंदर जैन, संदीप जैन, सुभाष जैन, रोमित जैन, आदिश जैन, सुनील जैन, रजिंदर जैन, सुभाष जैन सहित जैन समाज की बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस दौरान गौतम प्रसाद की सेवा बीएसटी ऑटो ग्रुप के स्वर्गीय लाला तिलकराज चंद, स्वर्गीय अमलावंती जैन परिवार द्वारा करवाई गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
टाइम हो गया है मेरा, चलो जल्दी परिवार सभी आ जा रहे। मधु जी चलो, माता जी की स्थापना का टाइम हो रहा है, अब एक ही मिनट दो मिनट बाकी है जिनको चलिए जिनको डालना है डाल दो, एक ही मिनट बाकी है। चलो सुनिए भाई भाई साहब मधु जी जगा, प्रभु जी तेरी पूजा
Shri Paul Jana 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 Shri Paul Jana
सभी भाग्यशाली माता मेरे तीन तीन नौकर गए तीन तीन नौकर और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कपूरथला रोड पर थर्मोकोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। अमृतसर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 पिस्तौल 42 जिंदा रौंद किए बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में बड़े पैमाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर की चेकिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।